प्रॉपर स्कोमेंट के अंदर शिनिया ज़बान बोली जाती है। यहाँ पे आबादी लगभग 1600-1700 घरानों पर मुश्तमिल है, और यहाँ पे जो ज़बान है वो प्योरली शिनिया ही ज़बान बोली जाती है, बाकी ज़बानें यहाँ पे नहीं बोली जाती है। यहाँ पे सिर्फ दो मज़हब के लोग ही हैं, एक इस्माइली मज़हब के लोग हैं और दूसरे यहाँ पे सुन्नी मज़हब के लोग हैं। दो मज़हब सुन्नी ब्रदर्स है हमारे साथ हैं, और ये मेजॉरिटी में यहाँ पे इस्माइली है, और मिनॉरिटी में उसमें अक़लियत में यहाँ पे है वो है ये सुन्नी हमारे ब्रदरान हैं जो हमारे साथ है। टूरिज़म यहाँ पे पहले जो गुजरे हुए जो टाइम पहले जो टाइम था वहाँ यहाँ पे जो ना कम आते थे टूरिज़म यहाँ पे। आगे नालों के लिए गाड़ी का रोड का बंदोबस्त नहीं था। पिछले साल एफात प्रोजेक्ट यहाँ पे आया और उसने यहाँ पे जो है आगे गुटलती से आगे हंडिस के लिए वहाँ पे रोड का जो है ना इन्होंने तामीर किया, एफात प्रोजेक्ट ने काम किया। तो वहाँ पे जो है ना आजकल अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो है ना मतलब वहाँ पे रोड किया है, और टूरिस्ट पहले पिछले साल भी काफ़ी तादाद में आए थे। इस साल इंशाअल्लाह तवक्कु है कि गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो है अटर झील वहाँ पर मौजूद है। उस झील को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। टूरिस्ट अगर आ जाए तो अगर पैदल वो हंड से आगे गए तो 3-4 घंटा लग जाता है, और अगर पहले पिछले दफ़ा इस तरह होता था कि वो टलती से ही वहाँ से पैदल जाते थे तो कम से कम 6-7 घंटा लग जाता था अटर झील पहुँचने के लिए। और अटर झील का भी एक सर्वे हुई थी, WWF का एक सर्वे हुआ था, तो कह रहे हैं कि यहाँ का जो अटर झील का जो पानी है मतलब साफ शफाफ पानी है, लेबॉरेटरी उसको चेक करवा दिया गया। तो वहाँ पर यहाँ पर सिर्फ ये है खूबसूरती देखने के लिए यहाँ पर आ सकता है, और ताज़ा हवा, ताज़ा पानी, और फिर बर्फ़पोश पहाड़ है उनको देखने के लिए, उनको वो देख सकता है। और इसके अलावा जो है ना वहाँ पे जो है ना खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है अटर है। हाँ, अटर झील को देखने के लिए जाते हैं, अटर झील को देखने के लिए वहाँ पे आते हैं, और मरखोर को देखने के लिए आते हैं। ट्रोट भी तो वहाँ पर नहीं पाया जाता है, नहीं मरखोर कि शिकार करने के लिए, हंटिंग करने के लिए हमारे PRDO है, LSO भी PRDO है फिलहाल प्रॉपर स्कोमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, उसके थ्रू वहाँ पर हंटिंग करने के लिए जो है ना आगे से टूरिस्ट आते हैं, जिसमें मारखोर्स जो है ना वहाँ पे जो है ना लोग ले जाते हैं, हमारे शिकारी साहिबान उनको वहाँ पर ले जाते हैं, उनका जो है ना मारखोर का वहाँ पर मतलब शिकार होती है, जिससे जो है ना वाफर मकदार में जो है ना पैसा भी मिलता है हमारे प्रॉपर स्कोमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो PRDO है, वो हमारा इदारा है। तो